तो वैसे ही कुछ प्रदेश नेताओं से मेरी किसी किन्हीं मुद्दों पर हो गई थी, परंतु परिवार परिवार होता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ अलग लाइन पे चल रहा हूँ। तो अमर ठाकुर जी ने सलाह दी और मुझे लगा कि एक नेक सलाह है, तो मैंने पुनः अपने परिवार में आना ठीक समझा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्राथमिकताएँ पहले भी हमारी सामाजिकता है, और क्योंकि मैं इंसानियत को पहले मानता हूँ, संगठन उसके बाद है, परंतु इंसानियत के साथ साथ विकास भी जरूरी है। और हम हर स्तर पर हमारी कोशिश है कि क्योंकि बिलासपुर शहर एक विस्थापितों का शहर है, अन्य शहरों में जितना विकास हो पाया है, बिलासपुर में कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है, क्योंकि बिलासपुर और चंडीगढ़ एक ही समय में बसाए गए शहर थे, चंडीगढ़ के एक सेक्टर के बराबर भी आज आप नहीं हैं, तो कमी तो है। इसलिए कोशिश यही है कि इस शहर में जितना विकास हो सके वो होना चाहिए। बीबीएमबी ने इस शहर के साथ न्याय नहीं किया है, और बीबीएमबी जो है उसकी जो सहयोग ना करने के कारण इस शहर में बहुत सी समस्याएं पैदा हुई। ओके थैंक्स सर। वो तो वैसे ही कुछ प्रदेश नेताओं से मेरी किन्हीं मुद्दों पर हो गई थी, परंतु परिवार परिवार होता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ अलग लाइन पे चल रहा हूँ। तो अमर ठाकुर जी ने सलाह दी और मुझे लगा कि एक नेक सलाह है, तो मैंने पुनः अपने परिवार में आना ठीक समझा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्राथमिकताएं पहले भी हमारी सामाजिकता है, और क्योंकि मैं इंसानियत को पहले मानता हूं, संगठन उसके बाद है, परंतु इंसानियत के साथ साथ विकास भी जरूरी है। और हम हर स्तर पर हमारी कोशिश है कि क्योंकि बिलासपुर शहर एक विस्थापितों का शहर है, अन्य शहरों में जितना विकास हो पाया है, बिलासपुर में कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है, क्योंकि बिलासपुर और चंडीगढ़ एक ही समय में बसाए गए शहर थे, चंडीगढ़ के एक सेक्टर के बराबर भी आज आप नहीं हैं, तो कमी तो है। इसलिए कोशिश यही है कि इस शहर